जय हिंद। आज फादर साहब की शतमी पुण्यतिथि थी। इस पुण्यतिथि के ऊपर जाट जम्मू कश्मीर जाट सभा के अध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह चौधरी जी 80 ब्रिगेड के कमांडेंट साहब, 2A 24 जीयर के सीओ साहब और उनसे उनकी आई हुई पूरी टीम और जितने भी पंचेस सरपंचेस और गांव के जितने भी निवासी आए, मैं पहले इन सब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज आकर पिताजी की पुण्यतिथि को आज याद किया। पिताजी 87 में सचिन ग्लेशियर में 23 सितंबर 1987 को जब सचिन ग्लेशियर के ऊपर बाना टॉप को कैप्चर किया था, उसके उपरांत दोबारा पाकिस्तान ने बिरला फोंडला पोस्ट को लेने की कोशिश की और फादर साहब 3 दिन तक उस पोस्ट के ऊपर लड़ते रहे और अपने एरिया को दुश्मन के पास जाने से रोका और दुश्मन की भारी तादाद में क्षति पहुँचाई और अपना जो बाना टॉप पोस्ट है और बिरला फोंडला पोस्ट है उसको सुरक्षित रखा। उसके बाद 88 में उनको वीर चक्र से नवाजा गया। हमें अपने फादर साहब की कुर्बानी के ऊपर बहुत गर्व है और हम इसी प्रकार जब तक अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं उसी तरीके से हम लोग याद करते रहेंगे। बाकी आप सबका आने ये हमारे लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन था। ये आज लेखराज जी का बलिदान दिवस था और हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग सभी ने मिलके उनको श्रद्धांजलि दी है और हम लोग इस अवसर के ऊपर स्पेशली इनके जो परिवार है और जो इनके गांववासी हैं हम उनको भी नमन करते हैं, जिनमें से ये एक बेटा ऐसा था जिसने भारत की सुरक्षा के लिए अपना जो प्राणों की आहुति दे दी और वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। हम लोग कोटि कोटि इनको नमन करते हैं। देखिए जो भी यहाँ अभी आर्मी के सदस्य जो यहाँ आके उन्होंने इनको सल्यूट किया है, हम लोग उनके भी आभारी हैं कि अक्सर वो आके परिवार में से उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी पूछते रहते हैं और शहीद होने के बाद में भी अगर सेना उनको याद रखती है तो हमारे लिए ये भी बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि बड़े धूमधाम से जो फौज है वो इस शहीदी दिवस को मनाती है।